कमंडल कैसे गायब हो गया? शिखर, शिखर, शिखर कंट्रोल, शिखर। आवाज बंद हो गई। दृष्टि, तुमने कमंडल का जल डाला था ना इस पर? हाँ मामा। फिर इसका रूप क्यों बदल रहा था? जल का असर क्यों नहीं हो रहा था इस पर? क्योंकि वो कमंडल और उसका जल दोनों नकली थे। और मेरे दूसरे हाथ की भी शक्ति चली गई। इसका मतलब पिशाचिनी के दूसरे रत्न की महाशक्ति जागृत हो गई है। नहीं, ये कैसे हो सकता? शिखर, 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 तू ठीक है ना? शिखर, शिखर, आंखें खोल। मुझे मुझे यकीन नहीं आ रहा है, मेरे दूसरा हाथ का जादू भी काम नहीं कर रहा है। उस पिशाचिनी ने हम लोग को इतना बड़ा बेवकूफ बनाया। उसने जरूर कोई चाल चली है, असली कमंडल वो लेके गई है। उसने जरूर जादू करके कमंडल बदला है, असली वाला लेकर उस वहां पर नकली वाला रख दिया। ये सब मेरी गलती है। अगर मैं कमंडल को उस कमरे में नहीं छोड़कर आती तो आज कमंडल हमारे पास होता, वो कमंडल नहीं बदल पाती। शांत हो जाओ मिस्टर शेरगिल, हम में से किसी को नहीं पता है कि कमंडल कब और किस वक्त गायब हुआ। नहीं मिस्टर शेरगिल, पर गलती तो मेरी है ना। दूसरे रत्न का दूसरा लक्ष्य पूरा किया था, इतनी मुश्किल से हमने वो लक्ष्य पूरा किया था और वो कमंडल वो पिशाचिनी ले गई। मुझे सतर्क रहना चाहिए था, कमंडल पे नजर रखनी चाहिए थी। मैं इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हूँ? आज मेरी वजह से ये सब हो रहा है। रोमी, तू टेंशन मत ले, मैं संभाल लूंगा। तू दिव्या को संभाल, इस वक्त उसके पास उसकी शक्तियां नहीं, पिशाचिनी कभी भी आ सकती है। तू ध्यान रख, उसके साथ रहे। दिव्या, डमरू की आवाज तो सबको सुनाई देगी, लेकिन चुटकी तो जिसके लिए बजेगी सिर्फ उसी को सुनाई देगी। ये तो मेरे दैत्यवानर का जादू है कि इंसानी रूप में भी मेरे सिक्स सेंस इतने पावरफुल है, इतने स्ट्रॉन्ग है, चाहे जितनी दूर हो सचनी और मुझे चुटकी बजा के बुलाए ना तो मुझे सुनाई देगा। इसका मतलब कि वो मुझे बुला रही है, अब उसको क्या चाहिए? खैर, जब एक बार ये सारी शक्तियां तुझे मिल जाए, यानी कि मुझे, फिर मैं बचाऊंगा चुटकी। रोमी, हमारे हाथ से सब कुछ फिसलता जा रहा है, सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। नहीं दिव्या, अगर तुम ही कमजोर पड़ोगी तो कैसे चलेगा? कमजोर नहीं, मेरी सारी उम्मीद मर चुकी है। अब वो दो रत्न खो चुके, दूसरे रत्न का लक्ष्य हम जीत के भी हार गए, और अब जिस इंसान से मेरी शादी हुई वो एक इंसान है। शैतान निकला। रोमी प्लीज ऐसी बात मत करो, दिल नहीं मानता और मानना भी नहीं चाहता। प्लीज ऐसा मत कहो। I'm sorry. It's okay. मैं वैसे भी सारी उम्मीदें हार चुकी हूँ, लेकिन मेरे मन में फिर भी एक उम्मीद है। शिखर में ऐसे कोई तो बात होगी, कोई तो अच्छाई होगी जिसकी वजह से वो उस पिशाचिनी के खिलाफ खड़ा होगा, उससे लड़ेगा। कोई तो वजह होगी ना, लेकिन उसके लिए कोई हिम्मत चाहिए। उसको उसकी हिम्मत की जरूरत है, कोई स्ट्रॉन्ग वजह की जरूरत है। एक वजह है दिव्या। क्या? तुम
तुम ही वो वजह हो दिव्या। तुम चाहो तो शिखर को अच्छाई के रास्ते पर ला सकती हो। अगर शिखर भी तुमको तुम्हारी तरह चाहता है, ये रिश्ता निभाना चाहता है, तो वो अच्छाई के रास्ते पर आएगा ना। ये लो, आंसू पहुंच लो। ये किस लिए है? तीज का व्रत है तुम्हारा, तोड़ना भी जरूरी है ना। खा लो। देखो दिव्या, मैं जानता हूँ तुम अपने और शिखर के रिलेशन को लेके बहुत टेंशन में हो। मतलब तुम चाहती हो अपने रिलेशन को कैसे ठीक करूं, कैसे निभाऊं। मगर दी और जीजू के रिलेशन को देखो ना, कितनी प्रॉब्लम्स आए, कितने तूफान आए, लेकिन कितनी कोशिश कर रहे हैं वो अपने रिलेशन को निभाने की। सब सही हो जाएगा दिव्या। वैसे अब तुम्हारी और शिखर की जोड़ी ना जम रही है। वो बंदर, तुम बंदरिया। वो कहते हैं ना जोड़ी ऊपर से बन के आती है, लेकिन लगता है तुम्हारी जोड़ी जू में बनी थी। अरे सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा ओके, सॉरी बाबा। अच्छा चुप हो जाओ, चॉकलेट खा लो। आई एम सॉरी। मिस्टर शेरगिल, मिस्टर शेरगिल, अब ये मत कहना कि मेरी कोई गलती नहीं थी। ये सब मेरी गलती थी। मैंने सब बर्बाद कर दिया, सब खत्म हो गया। सब सब मेरी वजह से हो रहा है। तुम्हारी गलती क्या है? तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुमने अपनी जान की बाजी तक लगा दी। तुम्हारी वजह से हम लक्ष्य जीत गए। पर जीत कर भी हार गए मिस्टर शेरगिल। हर बार ऐसे ही होता है। हम जीत के इतने करीब होते हैं और फिर हार जाते हैं। हमारी आंखों के सामने वो पहला रत्न, वो पहला लक्ष्य, वो साचनी पूरा कर गए। उसने बिच्छू की आहुति दे दी, वो पहला रत्न लेकर चली गई। साचनी गलत है, हम गलत नहीं है, तुम गलत नहीं हो। तुम्हारी वजह से हमने कुछ नहीं खोया मिसेस शेरगिल। खोना, पाना, जीतना, हारना कुछ नहीं होता अगर मैंने बेवकूफों की तरह वो काल विजय रत्न नहीं फेंका होता। ये सब मेरी गलती है मिस्टर। एक मिनट दिमाग से सोचो, क्या बोल रही हो तुम? कुछ भी नॉनसेंस बोलती जा रही हो। साचनी शैतान है। वो अपना रत्न हासिल करने के लिए, अपने मकसद के लिए वो बच्चों की आहुति दे सकती है। तुम दे सकती हो? तुम किसी अपने की आहुति दे सकती हो? और तुमने रत्न क्यों फेंका? मुझे बचाने के लिए फेंका, मेरे लिए फेंका। तुम्हें इस बात का पछतावा है कि मैं बच गया हूँ? तुम्हें अफसोस है कोई? मुझे कोई अफसोस नहीं है। कैसी फालतू की बातें कर रहे हो आप? फालतू की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, फालतू की बात तुम कर रही थी। मिस्टर शेरगिल, मैंने सारे अपनों को खो दिया। मैंने आज तक जिंदगी में जिनसे भी प्यार किया है, मैंने उन सबको खो दिया। सबका साथ छूट गया। मम्मा, पापा, इनफैक्ट मैंने अपना पूरा परिवार खो दिया। और अब आप अपने परिवार को खो रहे हैं। हम सब कुछ ना कुछ खोते ही जा रहे हैं। बस दिव्या शिखर को खो रही है, वो आदमी जिसके लिए मेरी बहन के दिल में फीलिंग था, मैं जानती हूँ। हमारे अपने सब सबका साथ छूटता जा रहा है मिस्टर शेरगिल। मैंने सब बर्बाद कर दिया। और मैं जानती हूँ इसे कैसे ठीक करना है। ये क्या कर रही हो तुम? कहाँ जा रही हो? जाना पड़ेगा मिस्टर शेरगिल। अब मेरे जाने से ही हर गलत सही हो सकता है। ठीक है फिर, मैं भी अपने साइज के हिसाब से अपना बड़ा वाला सूटकेस निकाल लेता हूँ। मिस्टर शेरगिल, आप क्या कर रहे हैं? यही मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम क्या कर रही हो? इस घर से दूर जा रही हूँ। देखिए, मैं जाऊंगी तो पिशाचनी जरूर मेरा पीछा करेगी। कम से कम मेरा पीछा करते करते इस घर से दूर चली जाएगी, आप सबसे दूर चली जाएगी। मैं नहीं जानती मैं क्या करूंगी, कैसे करूंगी, कब करूंगी, पर सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे जाने की वजह से कम से कम वो दूर रहेगी परिवार से। हमारे परिवार में से किसी को भी कोई चोट नहीं आएगी। मिस्टर शेरगिल, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। मैंने कहा मैं अकेली जाऊंगी। मुझे और दिवी को काल विजय रत्न का आधा आधा हिस्सा मिला है, उसके पीछे एक वजह थी। हाँ, वजह थी तुम्हारी माँ। मेरे नाना जी ने तुम्हारी माँ को काल विजय रत्न दिया था, जिसकी शक्ति तुम दोनों के बीच में आधी आधी आ गई। और मैं अपने नाना जी का खून हूँ, उनका वंशज हूँ, इसीलिए उनकी शक्तियाँ मुझे मिल गई। और मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य, कर्तव्य और धर्म है तुम दोनों की रक्षा करना, जो मैं करके रहूंगा। इसे जहाँ तुम जाओगी वहाँ मैं जाऊँगा। मिस्टर शेरगिल, यही तो वो चाहती है कि आप मेरा पीछा करें, क्योंकि आपके पास आपके नाना की शक्ति है। इसीलिए मैं अकेली जाऊंगी, आप मेरे साथ नहीं आएंगे। मैं तुम्हारे साथ मैं अकेली जाऊंगी, जो करना है मैं अकेली करूंगी। मिस्टर शेरगिल, नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ। मिस्टर शेरगिल, अगर मैं चाहती तो मैं अकेले जा सकती थी, आप सबको बिना बताए इस घर से जा सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं जानती थी कि आप सबको मेरी फिक्र होगी, खास करके आपको। इसीलिए मैंने सोचा मैं आपको बता कर जाऊं। जस्ट शट अप मिस्टर शेरगिल, बहुत बोल लिया, बहुत सोच लिया।
बात तुम्हारी एक बार में समझ में नहीं आती? अगर मैंने कह दिया कि तुम अकेले नहीं जाओगी तो मतलब नहीं जाओगी। मिस्टर शेकिन, हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया है, कोई कसम नहीं खाई है कि जहाँ जहाँ मैं जाऊंगी आपको पीछे पीछे आना है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम उस पिशाचिनी के साथ लड़ने के लिए अकेले जाना चाहती हो? उसके पास रत्नों की महाशक्ति है, तुम इतना डंब इतना स्टूपिड कैसे बिहेव कर सकती हो? आप मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हैं? तुमने कैसे सोच लिया कि मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट या कसम नहीं खाई है? खाई है कसम, एक नहीं सात सात खाई है, सात फेरों के साथ सात कसमें खाई है मैंने। तुम्हारी रक्षा करने की कसम खाई है, सबसे बड़ी कसम, और वो मैं करके रहूंगा। तुम्हें एक पल के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकता क्योंकि मैं क्योंकि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। हाँ, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। समझी कि नहीं समझी? समझी तो भी और नहीं समझी तो भी अपना मुंह बंद रखो, क्योंकि तुम जब देखो अपने मुंह से बकवास करती रहती हो। मिस्टर शेरी, तुम्हें क्या लगता है, क्या लगता है तुम्हें, तुम यहां बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप यहां से चली जाती हो और मुझे पता नहीं चलता? तुम्हारे हर पल की पल पल का एहसास होता है मुझे मिसेस शेरगिल। हाँ, मेरे इस दिल को एहसास होता है। नहीं, नहीं होता। नहीं होता है? हाँ, नहीं होता है। तुम्हारा दिल धड़क रहा है मिसेस शेरगिल, और उसकी एक एक धड़कन मुझे सुनाई दे रही है। तुम्हारे मेरे पास होने का, मुझसे दूर जाने का, तुम्हारी हर बात का, तुम्हारे हर पल पल का एहसास मुझे होता है मिसेस शेरगिल। तो बस आज के बाद मुझसे दूर जाने की बात मत करना, और खास करके आज के दिन तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि आज आज तीज है, आज मैंने भी तुम्हारे लिए व्रत रखा है, और अगर आज तुम मुझसे दूर चली गई ना तो मैं भूखा मर जाऊंगा मिसेस शेरगिल। प्लीज, आज नहीं, अभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं मुझसे दूर जाना। अभी नहीं जाऊंगी। आई प्रॉमिस, कभी नहीं जाऊंगी। आई एम सॉरी। मुझे पक्का वाला प्रॉमिस चाहिए। Thank you.
मैं तुम्हारे साथ काम करता हूँ, तुम्हारा गुलाम नहीं। ताली एक हाथ से नहीं, दो हाथों से बचती है। पर चुटकी तो एक हाथ से बचती है ना। हाँ चुटकी, बार बार चुटकी बजा बजा के मुझे यहाँ बुलाना बंद करो, वरना हमारा ताली वाला रिश्ता भी खत्म। शिखू अभी तो सिर्फ चुटकी बजाई है, ज्यादा चू चपाट की ना तो ये डमरू बजाकर नुक्कड़ पे ले जाकर तेरा तमाशा कर दूंगी, समझा? बजाऊं क्या? बजाऊं बजाऊं, अब कुछ बोला ना तो सच में बजा दूंगी। चल चुपचाप मेरी बात सुन। बोलो। तू तो दिन रात इसी घर में रहता है, तो पल पल दोनों चूहियों पे नजर रख, खासकर उस बड़ी चूहिया दृष्टि पे। काल देवता ने मुझे बताया है, काल विजय रत्न की महाशक्ति को हासिल करने के लिए लक्ष्य का संकेत उस बड़ी चूहिया की हेडलाइट यानी उसकी तीसरी आंख को ही दिखेगा। अगर हमने अपनी जादू से उस संकेत को पता करने की कोशिश की भी तो भी वो बड़ी चूहिया, उसे तो भविष्य दिखता है ना, उसे सब कुछ पता चल जाएगा, सतर्क हो जाएगी वो और हमारे साथ ही खेल खेलेगी। तो इन सब पछड़ों में पड़ने से तो अच्छा है उस बड़ी चूहिया पे नजर रख। शिखु बेबी, अपने बॉडी की तरह अपने दिमाग के पर्सनालिटी को भी थोड़ा स्मार्ट बना है? और ये जो बंदर वाली शक्ल मिली है ना तुझे, फायदा उठा। प्यारा सा बेचारा सा शिखु बाबू बन के जा और गिड़गिड़ा, इतना गिड़गिड़ा और इतना गिड़गिड़ा कि वो लोग तरस खाए तुझ पर, तुझ पर विश्वास करने लगे और अपनी सारी प्लानिंग व्लानिंग तुझे बता दे। मुंडी क्या हिला रहा है? चल जा, जाके अपना काम कर। डमरू बजेगा, शिखु बेबी नाचेगा। बस इतना भी मत बजाना कि मेरी दिमाग की हट जाए, थक जाऊं मैं इस बंदर की चाल कूद करते करते। करना पड़ेगा शिखु बेबी, उन बेदर्दों की हमदर्दी पाने के लिए जो मैं कहती हूँ करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, बजाओ। हाँ लेकिन एक से दस काउंट तक ही बजाना और दस होते ही इसे बंद कर देना। चल बस। हाँ अब तू जा, जाके अपना काम कर। पूरी चॉकलेट अकेले खाने का इरादा है या शेयर भी करोगी? तुम्हें थोड़ी ना व्रत तोड़ना है, तुम्हें तो आधा भी नहीं मिलेगा। प्लीज वो फिर से मुझे बुला रही है, मुझे नहीं जाना है। प्लीज हेल्प मॉम, प्लीज हेल्प, हेल्प दी, मुझे बचा लो दी, प्लीज मुझे बचा लो दी। शिखर, शिखर, माँ, माँ, शिखर, मैं भी आता। Stop.